Good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we're going to talk about all the cricket news and updates जो क्रिकेट की दुनिया में कल एंड आज हुई थी. सो भाई सबसे पहले जो है हम आज के सुबह के मैच के बारे में बात करेंगे जो 5:30 AM शुरू हुआ था इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग. तो पाकिस्तान का जो था वो काफी एक्सपेक्टेड था कि 5-0 व्हाइट वॉश हो जाएगा एंड जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की थी स्पेशली बाबर ने रिजवान ने ऐसा लग रहा था कि भाई आज तो व्हाइट वॉश होने ही वाला है. बट इफ्तिकार अहमद हैड अदर आइडियाज, द न्यूजीलैंड बैटर्स हैड अदर आइडियाज, मार्क चैपमैन ड्रॉपिंग टू, बाबर के कैचेस हैड अदर आइडियाज, यू नो दे डिडंट रियली वांट टू यू नो व्हाइट वॉश द पाकिस्तानीज. तो पाकिस्तानियों की आज मौज हो गई है. हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं भाई हैं वो काफी महीनों बाद ऑलमोस्ट 3 months बाद एक मैच जीत गए हैं. तो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस. न्यूजीलैंड के लिए काफी बुरा दिन था. यू नो स्कोर कार्ड अगर मैं रीड कर दूं तो पाकिस्तान जो है 134/8 में ढेर हो गए. उस टाइम ऐसा लगा कि भाई आज फिर जो है पाकिस्तान हारेगी, एक और डिफीट होगी. बाबर आजम बहुत ज्यादा स्लो खेले, 13 रन उन्होंने बनाए 24 बॉल्स में. हसीबुल्ला जिनका आज डेब्यू था वो 0 पे अंडे गोल में ही आउट हो गए 3 बॉल्स में. रिजवान 38/38, ही डिडंट नो व्हाट ही वाज डूइंग. एंड देन फखर जमन इज द ओनली वन हु प्लेड विद इंटेंट, हु प्लेड वेल. ही शुड ओपन फॉर यू नो पाकिस्तान इन द T20 फॉर्मेट. आई डोंट नो ये बाबर एंड रिजवान के साथ एंड क्या ऑब्सेशन है इन लोगों को ऊपर प्रमोट किया जाता है. एंड जो स्पेशलिस्ट ओपनर है इन टर्म्स ऑफ फखर जमन उनको चांस नहीं दिया जाता है. सो दैट इज रियली रियली बैड. जब तक फखर जमन को प्रमोट नहीं किया जाएगा मुझे नहीं लगता कि कुछ कंटिन्यूस स्ट्रीक में जो है पाकिस्तान कोई मैच जीत पाएगी. सो इसके अलावा मोहम्मद नवाज ने 1 रन बनाया, इफ्तिकार ने 5 रन बनाए एंड अगेन बैटिंग फेलियर हो गया. साहिबजादा फरहान 19 रन इन 14 बॉल्स. तो भाई ये ओपनर है, इनको नंबर 7 पोजीशन में भेज दिया. दैट इज टेरिबल टेरिबल फ्रॉम पाकिस्तान. मुझे लॉजिक इस चीज का नहीं समझ आ रहा कि यू नो एक ओपनर को आप नंबर 7 पोजीशन में भेज रहे हैं. इतने सालों बाद उनको 5.5 years बाद चांस मिला है एंड देन यू नो ही इज नॉट गेटिंग हिज प्रिफर्ड पोजिशन. सो इसके अलावा जो है शाहिन शाह अफरीदी मेड 1, अब्बास अफरीदी मेड 14. तो भाई ये डेब्यूटेंट थे, इन्होंने अच्छे रन बनाए हैं. उसामा मीर को फिर से चांस मिला, इन्होंने 1 रन बनाया. सो साउदी ने 2 विकेट्स लिए, मैट हेनरी ने 2 विकेट्स लिए, सैटनर ने 0, फर्गसन 2 एंड इश सोदी 2. तो भाई नॉर्मल सी बोलिंग थी, ज्यादा कुछ यू नो मार पिटी नहीं किसी बोलर को. हाउएवर पाकिस्तान को रीच 134/8 इन देयर 20 overs. सो फिर से मैं यू नो एक बारी बाबर की बैटिंग को बहुत क्रिटिसाइज करना चाहूंगी. 13 रन 24 बॉल्स, ही डिड नॉट नो वॉट ही वॉज डूइंग. 2 बारी उनके कैचेस ड्रॉप हुए हैं, 0 पे ड्रॉप हुए हैं. मार्क चैपमैन ने डॉली कैच जो ड्रॉप कर दिया, आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर फॉर बाबर अगर वो 0 पे ही आउट हो जाते. एटलीस्ट इतनी डिजमल बैटिंग जो है, डिसअपॉइंटिंग बैटिंग हमें उनकी तरफ से देखने को नहीं मिलती. इसके अलावा अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में भाई कुछ भी नहीं हुआ. फिल नैलन जो थे 22 रन पे आउट हो गए. रचिन रविंद्रा उनको चांस दिया था बिकॉज यू नो कॉनवे कॉन्टैक्टेड, सॉरी मिचेल एंड कॉनवे दोनों ही बैठे हुए हैं. कॉनवे को कोविड है, मिचेल को यू नो वर्कलोड मैनेजमेंट रेस्ट दिया हुआ है. सो ही मेड 1, साइफर्ड मेड 19, विल यंग मेड 12, चैपमैन मेड 1 एंड देन ग्लेन फिलिप्स वॉज दी ओनली वन हु मेड 26. तो 26 हाइएस्ट था फिन एलन का, 22 था. तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए. 92 में ये ऑल आउट हो गए जिसमें विकेट्स लिए शाहिन शाह अफरीदी ने 2, मोहम्मद नवाज ने 2, जमन खान बोल्ड वेल फॉर 1 विकेट, उसामा मीर 1, अब्बास अफरीदी ने 1 ओवर ही डाला, 4 रन लिए पर कोई विकेट नहीं ले पाए. आई वंडर इनको 1 ओवर क्यों करवाया. देन यू नो इफ्तिकार अहमद 4 ओवर्स 3 विकेट्स एंड 24 रन. तो इफ्तिकार वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच एंड फिन एलन वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज. तो भाई 7 मैचेस हारने के बाद, 3 ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस, 4 न्यूजीलैंड में यू नो T20 मैचेस हारने के बाद फाइनली जो है पाकिस्तान एक T20I मैच जीत गई है. तो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू देम. शाहिन शाह अफरीदी का 4 एज अ कैप्टन 4 जो लॉसेस चल रहे थे, एक स्ट्रीक बन रही थी वो टूट गई है. एंड अब इनकी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काफी देर बाद होगी क्योंकि PSL इनका जो है 17 February से शुरू होने वाला है. सो यू नो थैंकफुली दे हैव अ विन
in the final of final match of this T20I series. Otherwise ये सिर्फ हार 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 से ही काफी महीने इनके गुजर जाते. तो भाई हमारे बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान से देखते हैं, काफी इंडियंस भी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं. तो भाई उनको कंग्रेचुलेशंस, आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, दे हैव डन वेल एंड दे हैव यू नो वन दिस मैच फ्रॉम न्यूजीलैंड. सो इसके अलावा जो है अगर हम इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की बात करें, जो टेस्ट सीरीज कुछ दिनों में ही 25th को शुरू होने वाली है, सो उसमें काफी बैंटर शुरू हो गया है. हमें पता है दैट यू नो ओली रॉबिन्सन ने कुछ कहा है, मॉन्टी पनेसर ने कुछ कहा है, एंड दे हैव टॉन्टेड विराट एंड दे हैव सेड दैट वी आर गोइंग टू प्ले ऑन हिज ईगो. सो सुनील गावस्कर जो हमारे यहाँ बैंटर के एक्सपर्ट है, उन्होंने वापस रिप्लाई किया एंड ही हैज सेड that Virat ball is going to counter Bass ball. तो Virat ball काफी ज्यादा अभी famous हो रहा है and you know this word Virat ball is gaining a lot of popularity over social media and Sunil Gavaskar has said that Virat ball से हम counter करेंगे Bass ball को. So let's see if that happens and that's big tribute to Virat Kohli. So आज जो है इंडिया टीम अपनी प्रैक्टिस सेशन शुरू करेगी हैदराबाद में एंड वी विल सी द प्लेयर्स हु आर इन एक्शन. एंड देन कल जो है बिकॉज जो प्रण प्रतिष्ठा का सेरेमनी है, जो राम हमारी जन्मभूमि है, हमारे गॉडेस राम का उनका टेंपल में उनकी यू नो पूजा है, सो कल जो जाएंगे हमारे प्लेयर्स विराट कोहली, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, ये सारे जाएंगे सेरेमनी अटेंड करने. तो कल इनको एक्सक्यूज किया जाएगा प्रैक्टिस सेशन से, लेकिन आज जो है ये सारे प्लेयर्स हैदराबाद के स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे. एंड 22nd है कल, कल इंग्लैंड टीम भी है जो इंडिया लैंड कर जाएगी एंड देन दे विल ऑल्सो गेयर अप फॉर द टेस्ट मैच. सो इसके अलावा जो है शोएब मलिक जो काफी ज्यादा कल से न्यूज में है रिगार्डिंग हिज मैरिज टू सना जावेद, थर्ड मैरिज उनकी हो गई है एंड यू नो सानिया मिर्जा की तरफ से वैसे तो कल साइलेंस थी, बट आज जो है अनम मिर्जा जो उनकी रिलेटिव है उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज की है कुछ टाइम पहले दैट यू नो सानिया मिर्जा एंड शोएब मलिक का डिवोर्स कुछ महीने पहले हो चुका था एंड सानिया ओनली विशेज वेल टू शोएब मलिक एंड यू नो हिज जर्नी फॉरवर्ड. सो भाई बहुत ही एक संभली हुई स्टेटमेंट आई है, नो ड्रामा, नो ट्रांट्रम, नो क्रिप्टिक टॉन्ट्स एंड एवरीथिंग दे हैव हैंडल्ड. सानिया मिर्जा हैज हैंडल्ड दिस विद ग्रेट डिग्निटी, वी रिस्पेक्ट हर फॉर दैट एंड शी हैज नॉट क्रिएटेड अ सीन, शी हैज नॉट गॉट इनटू एनी कंट्रोवर्सी, शी हैज अपहेल्ड हर रिस्पेक्ट इन सोसाइटी एंड यू नो दैट इज द ओनली थिंग दैट वी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम हर दैट शी शुड बिहेव इन द मोस्ट डिग्निफाइड मैनर एंड इन अमिस्ट ऑल दिस वन मैरिज, टू मैरिज, थ्री मैरिज, ऑल दिस ड्रामा दैट इज हैपनिंग, शी शुड नॉट लूज हर काम, शी should not lose her composure and she should deal with this in this issue with utmost dignity. So well done Sania Mirza and her family and everybody who is close to her. So iske ilawa jo hai शोएब मलिक ने 13,000 रन्स T20I में कंप्लीट कर लिए हैं, जो उनको बहुत बहुत मुबारक है. नॉट T20Is बट T20s 13,000 रन्स हैं उनके एंड ही इज जस्ट बिहाइंड गेल जिनके 14,000 कुछ रन्स हैं एंड हमारे विराट कोहली जो है ऑलमोस्ट 12,000 पहुंच गए, वो नंबर 4 पे हैं. सो इसके अलावा जो है कल इंडिया अंडर 19 का मैच था, इंडिया का था, पाकिस्तान का था, तो इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ हैव वन देयर मैचेस respectively and India ने तो काफी अच्छी विक्ट्री कुछ 84 रन्स की जो है विक्ट्री की थी यू नो बांग्लादेश के अगेंस्ट. तो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू द अंडर 19 टीम. इसके अलावा पाकिस्तान बीट अफगानिस्तान एंड उबेद शाह उनके जो बॉलर हैं अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने 4 for 26 लिए हैं इन 7 overs. सो वेल डन इंडिया एंड पाकिस्तान, दे विल मूव ऑन टू देयर नेक्स्ट मैच नाउ. सो भाई डोमेस्टिक से ये अपडेट है दैट पुजारा हमारे अपने जो चेतेश्वर पुजारा है, ही हैज कंप्लीटेड 20,000 रन्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट. तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत सारे रन है 20,000. सो लेट्स सी इफ ही कैन गेट अ चांस इन फ्यूचर इन द टेस्ट मैचेस. इसके अलावा रहाणे जो हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमें मुझे इंडिया का कमबैक करना है, मुझे रांझी जीतना है, मुझे 100 टेस्ट खेलने हैं, तो भाई उनका कुछ है रांझी सीजन अच्छा नहीं जा रहा है. दो बारी वो गोल्डन डक पे आउट हुए, 0 in 1 ball 0 in 1 ball एंड देन आज जो है उन्होंने 16 रन्स बनाए हैं एंड वो आउट हो गए हैं इन 65 बॉल्स. तो भाई रहाणे के लिए उतना अच्छा रणजी का डोमेस्टिक सीजन नहीं जा रहा है.
सो इसके अलावा अंडर 19 का आज मैच चल रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस नेपाल. न्यूजीलैंड जो है वो बैटिंग कर रही है. अगर आपको मैं अभी तक का अपडेटेड स्कोर बताऊं तो न्यूजीलैंड अंडर 19 टीम 7 ओवर्स में 38 रन्स फॉर 0 विकेट्स के लॉस में खेल रही है. सो वील बी ऑल्सो फॉलोइंग दिस मैच. इसके अलावा डोमेस्टिक में और खबरें हैं. तमिलनाडु के एन जगदीशन जो हैं उन्होंने 245 नॉट आउट बना दिए हैं अगेंस्ट द रेलवेज. तो भाई डबल सेंचुरी बहुत बड़ी बात होती है एंड दीज एफर्ट्स डू नॉट गेट गो वेस्टेड यू नो व्हेन द सिलेक्टर्स हैव अ लुक एट द डोमेस्टिक फ्रंट. के एस भरत ने सेंचुरी बना ली है, 116 नॉट आउट बना ली है अगेंस्ट द इंग्लैंड लायंस एंड ही हैज डेडिकेटेड दिस सेंचुरी टू लॉर्ड राम. सो भाई बहुत कंग्रेचुलेशंस टू के एस भरत एंड यू नो फॉर एंड थैंक यू सो मच फॉर द डेडिकेशन. एंड जो है सुंदर रिंकू एंड तिलक इनको भी फ्यूचर इंग्लैंड लायंस के साथ जो मैचेस होंगे उनमें चांस दिया गया है, साइड पे इंक्लूड किया गया है. सो यू नो काफी फ्रेश साइड दिख रही है. कुशाग्र कुमार हैं जो दिल्ली के लिए सिलेक्ट करके गए हैं, रिंकू सिंह है, सुंदर हैं, तिलक हैं, तो काफी यंगस्टर्स को जो है चांस मिलने वाला है अगेंस्ट द इंग्लैंड लायंस. सो भाई वी आर वेरी एक्साइटेड. एक्साइटमेंट इज बिल्डिंग अप फॉर द इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज एंड यू नो बैसबॉल होगी नहीं होगी, विराट कोहली रन बनाएंगे नहीं बनाएंगे, रोहित शर्मा क्या फॉर्म में होंगे नहीं होंगे. सो लॉट ऑफ क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड इन दिस टेस्ट सीरीज. किस तरीके से पिचेस होंगी, विल द सपोर्ट स्पिन, विल दे बी रैंक टर्नर्स और विल दे सपोर्ट पेस एंड माउंट्स. अगर नॉर्मल बैटिंग पिचेस दी जाएंगी तो ये एज पिच अनवेल होती है, एक दिन पहले अनवेल होती है, फिर हम अपने व्यूअर्स के साथ वो डिस्कस करेंगे. आई एम सॉरी कल मैं लाइव नहीं आ पाई, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम था, बट टूडे वी विल मीट लाइव एट आवर यूजुअल टाइम ऑफ 10:15 एंड कल की और आज की दोनों की जो न्यूज की खबरें हैं वो हम अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करेंगे. That is it for this video. If you like the content, then please like the video, subscribe to the channel, and if you have any comments, then aap please niche likh sakte hain below the video. Thank you so much for watching. Have a great Sunday and take care.